आज कनक्स किचन में बनाएंगे इस भयंकर गर्मियों के लिए फ्रूट कस्टर्ड मिल्क शेक। और वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी इसको अलग अलग तरीके से आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। और साथ ही बताने वाली हूँ ठंडी ठंडी तासीर वाला मैंगो मिल्क शेक भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बना लेंगे फ्रूट कस्टर्ड मिल्क शेक, जिसके लिए एक बड़े से बर्तन में मैंने लिया है घी। तो यहाँ पे बस मैंने 1 टीस्पून घी लिया है। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा इसमें हम डालेंगे सेमिया। तो मैंने आधा कप सेमिया लिए, ये बारीक वाली सेमिया जो सबको इजीली मिल जाती है मार्केट में, ये भुनी वाली ली है। आप चाहे तो व्हाइट वाली भी ले सकते हैं, लेकिन उसको बस अच्छे से भून लीजिएगा। इसको अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जैसे कि इसका जो हल्का सा कच्चापन होता है ना वो निकल जाए, थोड़ी सी और गोल्डन ब्राउन हो जाए और ऊपर से थोड़ी सी फ्राई हो जाए, मतलब ऊपर से थोड़ी सी वाइट हो जाएंगी फ्राई होने के बाद। तो अच्छा, सेमिया अभी भून गई है, बस 2 ही मिनट लगा उसको। और साथ ही हम इसी बर्तन में डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, अलग पॉट अलग पैंस में कुछ भी नहीं करेंगे, सारी चीज़ें एक ही बर्तन में डाल देंगे। फटाफट से मिल्कशेक तैयार हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों में किसको पसंद है इतना सारा समय बिताना किचन में। तो ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल के थोड़े से भून लेंगे 1 मिनट के लिए। और फिर इसी में मैं डाल रही हूँ 2 कप दूध। तो यहाँ पे मैंने इसे पहले से ही बॉईल किया हुआ दूध लिया है, आप चाहें तो कच्चा दूध भी ले सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि वो फटे ना, इसलिए मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा था वो इसमें ऐड कर रही हूँ। और फिर इस दूध को पकने देंगे, इसमें अच्छा सा बॉईल आने देंगे और इसको पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि हल्का सा गाढ़ा ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पे दूध बॉईल ही हो रहा है, तो इस वक्त इसमें फ्लेवरिंग के लिए डाल देंगे थोड़ा सा केसर और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सेमिया भी है, हम कस्टर्ड भी ऐड करने वाले हैं। तो बस ये देखिए हल्का सा गाढ़ा हो गया है, इसको मैंने बस 3 से 4 मिनट के लिए पकाया। इसमें हम डाल देंगे आधा कप शक्कर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसको पीछे लो फ्लेम पे रख देंगे। अच्छा, यहाँ पे कटोरी में मैंने लिया है बस 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और इसमें हम डाल देंगे ठंडा दूध। तो फ्रिज का दूध मैं डाल रही हूँ 1/4 कप और इसका घोल बना लेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम कस्टर्ड बनाते हैं। इसमें कोई भी लम्ब्स नहीं होने चाहिए, इसकी वजह से जो हमारा मिल्कशेक है ना बढ़िया सा गाढ़ा और क्रीमी हो जाएगा और बहुत ही अच्छा उसका फ्लेवर आता है। फ्रेंड्स, आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा इस गर्मियों में, आपको तो मज़ा ही आ जाएगा। और अगर वीडियो देखने के बाद आपको तसल्ली हो जाए कि वीडियो मज़ेदार है, फिर इसको आके आप लाइक भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे वो इसलिए ताकि इसमें कोई भी गाढ़े या फिर लम्ब्स ना बने। तो थोड़ा थोड़ा करके डाल के पूरा घोल यूज़ कर लीजिए और फिर इसको उबलने देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, अच्छे से उबल गया है और जो कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन था ना वो भी पूरा निकल गया है। ये देखिए एकदम गाढ़ा हो गया, पीछे हल्की सी कोटिंग कंसिस्टेंसी है। फ्रेंड्स, इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा, वरना क्या होगा ना, ये ठंडा होने के बाद एकदम ही गाढ़ा हो जाएगा, फिर आप इसको पी नहीं पाएंगे। तो बस इस स्टेज में गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको मैं ठंडा होने रखूंगी। तो पहले रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी सेट होने के लिए या फिर ठंडा होने के लिए 3 से 4 घंटों के लिए कम से कम। तो ये देखिए फ्रिज में रखने के बाद हल्का सा और गाढ़ा हो गया। तो बस इसको भी हम प्लेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए बड़े बड़े ग्लासेस, इसमें हम डाल देंगे ये बढ़िया ठंडा ठंडा गाढ़ा क्रीमी मिल्कशेक। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं हुई है, वरना क्या होगा आपका कस्टर्ड ही बन जाएगा। तो इसको ग्लासेस में डाल देंगे और ऊपर से डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। देखा कितना मज़े का लग रहा है फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट्स के साथ। और अगर आपको चाहिए तो इसके ऊपर डाल सकते हैं वेनीला आइसक्रीम भी, वो तो और ज़्यादा मज़े की लगती है, बिल्कुल फलूदा का टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैंने दूसरे ग्लास में डाले कुछ नीचे मिक्स फ्रूट्स, एप्पल अनार कीवी ग्रेप्स जो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो सारे डाल दीजिए। उससे क्या होगा एकदम फ्रूटी फ्लेवर भी आ जाएगा, गर्मियों में मज़ा भी आ जाएगा उसको खाने का। इसके ऊपर डाल देंगे ये मिल्क शेक और ऊपर से बढ़िया आइसक्रीम, जो फ्लेवर आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पे इसमें डाला है केसर पिस्ता आइसक्रीम और फिर से आप इसको गार्निश कर सकते हैं थोड़े से फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो चलिए अब बना लेते हैं हम सबका फेवरेट मैंगो मिल्क शेक भी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है पैन। इसमें मैंने रखा है 2 कप दूध, उबालने के लिए करीबन 1/2 लीटर दूध है, इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। तो इसको लगातार चलाते भी जाइए ताकि नीचे से लगे ना, क्योंकि फुल फैट दूध है ना जल्दी से नीचे लग जाता है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप शक्कर और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे थोड़ी देर ताकि शक्कर अच्छे से पिघल जाए और दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए। तो जब तक हमारा दूध पक रहा है चलिए बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में लिया है 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर
और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप दूध, जो कि रूम टेम्परेचर पे, आप चाहे तो फ्रिज वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको मिक्स करेंगे, इसमें कोई भी लम्ब्स नहीं होने चाहिए, एकदम स्मूथ घोल तैयार हो गया। तो चलिए अब इसको ऐड करेंगे इस दूध में। तो दूध भी गाढ़ा ही होने लगा, इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाइए और लगातार विस्क करते जाइए। विस्क करना इम्पॉर्टेंट है, वरना ये अचानक से गाढ़ा हो जाएगा, लंपी हो जाएगा। तो इसको लगातार थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। और इसको ऐड करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट और पकाना है, ताकि बढ़िया से एकदम गाढ़ा हो जाए। तो ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए, कोटिंग आ ही गई है। बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठीक है, चलिए अब बाकी की तैयारी कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पैन में मैंने रखा है पानी बॉईल करने के लिए, और इसमें हम ऐड करेंगे ये 1/4 कप साबुदाना। तो इसको डाल दीजिए बॉईल करने के लिए और इसको बॉईल करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। अच्छा, मैंने साबुदानों को क्या किया था ना, 10-15 मिनट पहले ही भिगा दिया था, ताकि अगर जल्दी से भीग जाएंगे ना तो जल्दी से बॉईल भी हो जाते हैं। पर अगर आप जल्दी में हैं तो आप कच्चे साबुदाना भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बस उसको थोड़ी देर आपको ज़्यादा पकाना पड़ेगा। तो इसको मैंने पकाया बस 6 से 7 मिनट के लिए। ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, क्योंकि जल्दी हो जाते हैं सोक करने के बाद। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको छान देंगे। तो इसको मैं छान के और इसके ऊपर मैं ठंडा पानी डाल दूंगी। ये देखिए ये हमारे एकदम ट्रांसपेरेंट साबुदाना भी रेडी हो गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोल में मैंने करीबन 10-15 मिनट पहले 1 टेबलस्पून सब्जा यानी कि बेजिल सीड सोक करके रखा था, वही जो हम फलूदा में यूज़ करते हैं, और इसको भी साइड में रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया एक ब्लेंडर, इसमें हम डाल देंगे मैंगो के पीसेस। वाओ, आ गई चांस मैंगो की। तो यहाँ पे मैं करीबन 2 आम यूज़ कर रही हूँ, मैं अल्फांसो यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी आम जो भी आपको अवेलेबल हो ना आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ ही ये देखिए मैं डाल रही हूँ कस्टर्ड जो हमने पहले बनाया था ना, वो मैं डाल रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। ये ठंडा हो गया है, इसका थोड़ा सा पोर्शन इसमें डाल देंगे बस ब्लेंड करने के लिए, और इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारा एकदम गाढ़ा स्मूथ क्रीमी मैंगो कस्टर्ड मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसको भी ऐड कर देंगे हम पूरे कस्टर्ड में, जो हमने पूरा घोल बनाया था ना उसमें ये ऐड कर देंगे, और साथ ही हम बाकी की चीज़ें भी ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ ये बेजिल सीड सब्ज़ा, कम ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। ये बहुत ही एकदम चिलिंग और कूलिंग रहता है गर्मियों में, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मैं डाल रही हूँ इसमें साबुदाना, ये भी करीबन 3 से 4 टेबलस्पून डाल दीजिए। फिर मैं डाल रही हूँ बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंगो के पीसेस। देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है डिश अभी से, बस इसको मिक्स मिक्स करेंगे। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम बढ़िया गाढ़ा क्रीमी मिल्कशेक जो चाहिए होता है ना गर्मियों में, कि थोड़े से उसमें कार्ब्स भी रहे, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी रहे, थोड़ा सा दूध भी रहे, ठंडा भी रहे और पेट भी भर जाए। तो ये रेसिपी जो है ना आपके लिए। तो अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगती है ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बस ये बढ़िया सा मैंगो कस्टर्ड मिल्कशेक, या फिर आप इसको पुडिंग भी कह सकते हैं, रेडी हो गया। इसको सर्व करेंगे इस बोल में और ऊपर से गार्निश करेंगे थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स और मैंगो के साथ। आप चाहें तो थोड़े अनार के पीसेस भी डाल सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन के लिए। और क्योंकि ये गाढ़ा था ना इसलिए मैंने बोल में सर्व किया था, पर अगर आप इसको थोड़ा सा पतला है, थोड़ा सा और दूध डाल के ऐसे पीना जैसे चाहते हैं, तो आप इसको छोटी छोटी ग्लासेस में भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसे लगे आपको आज के मिल्कशेक्स, एंड इन दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।